नमस्कार, MH1 न्यूज के इस मेगा पॉलिटिकल शो में आपका बहुत स्वागत है। और MH1 एक्सप्रेस आज पहुंची है गुरुग्राम लोकसभा सीट का विश्लेषण करने के लिए। गुरुग्राम गुरु द्रोण की नगरी है, यहाँ माँ शीतला का आशीर्वाद रहता है हमेशा, लेकिन सियासत भी उतनी ही गर्म रहती है। लोकसभा चुनाव में महज एक साल का वक्त बचा है और गुरुग्राम लोकसभा सीट क्या कहती है, यहाँ के मुद्दे क्या है, क्या वादे किए गए थे, कितने पूरे हुए, कितनों पे काम शुरू हुआ और कितने पे अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है, सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गुरुग्राम लोकसभा सीट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2009 तक यह सीट महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आती थी। गुरुग्राम जिला जो है वो महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आता था। 2009 में गुरुग्राम अलग से लोकसभा सीट बनी है। इस सीट पर राव इंद्रजीत और उनके परिवार का हम कहें कि दबदबा जाता रहा है 1991, 1996 और 1999 को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ राव इंद्रजीत और उनके परिवार के लोगों ने ही जीत दर्ज की है। मुद्दे क्या हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुरुग्राम लोकसभा सीट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीटें आती है इस लोकसभा के तहत, जिसमें गुड़गांव शहर की सीट है, उसके अलावा सोना है, पटौदी है और बादशाहपुर विधानसभा सीट आती है। इसके अलावा रेवाड़ी की 2 सीटें बावल और रेवाड़ी इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही अगर नू की बात करें, नू, पुनाना और फिरोजपुर झिरका 3 सीटें इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। किस पे कितना काम हुआ है, मेवात में कितना काम हुआ है, गुड़गांव में जाम की स्थिति, पानी की स्थिति, सब पर बात करेंगे। कॉन्क्रीट के जंगल को लेकर भी बात करेंगे। इसके अलावा रेवाड़ी के बावल में क्या काम हुआ है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में बावल से ही आते हैं। इसके अलावा रेवाड़ी शहर में कितना काम हुआ है उस पर भी बात करेंगे। तो बात सभी मुद्दों पर होगी, जवाब सभी से लिए जाएंगे कि कितना काम हुआ है, विकास के दावों में कितनी सच्चाई है और धरातल पर वो काम कितने दिख रहे हैं। और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और सवाल पूछने के लिए भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन सभी से आपका मैं परिचय कराती हूँ। सूरजपाल अम्मू है बीजेपी से, बहुत स्वागत है सूरजपाल जी आपका। अनुराधा शर्मा है हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस से है मनीष खटाना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। जेजेपी से ऋषिराज राणा भी जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर बाद। सबसे पहले सूरजपाल अम्मू जी, जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि एक लंबे समय से अगर हम देखें इतिहास बड़ा ज़बरदस्त रहा है, ख़ासतौर पर अगर हम यहाँ पर बीजेपी की बात करते हैं, लेकिन गुरुग्राम में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाम की। अब आप कहेंगे कि उससे निपटने की कोशिश की जा रही है, हमने बहुत विकास कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो जाम लगते हैं वो कमोबेश एशिया का सबसे बड़ा जाम बन जाता है। ये समस्या कब खत्म होगी? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जाम वाली बात है ये करीब 3 वर्ष 2 वर्ष पहले हुआ करती थी, ऐसा हमने कई बार देखा है बारिश के दिनों में। परंतु उसके बावजूद लगातार जिस प्रकार से नेशनल हाईवेज़ का प्रारूप चेंज हुआ है, जिस प्रकार से गुड़गांव की सड़कों में, अगर मैं बाहरी सड़कें कहूँ, मैं SPR की बात करूँ, मैं पालम वाले रोड की बात करूँ, या गुड़गांव के जो लगते हुए जो रूट हैं, जो सेक्टर रोड हैं, वो इतने अच्छे बन चुके हैं। अब वो जाम वाली स्थिति पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जिस प्रकार से डेवलपमेंट किया है, आपको अगर राजीव चौक से अगर बादशाहपुर की तरफ जाना है तो आप 3 मिनट के अंदर आप बादशाहपुर पहुंच जाते हैं, कहीं जाम नहीं लगता। अब दिल्ली बॉर्डर से लेकर MBS मॉल से लेकर राजीव चौक तक आपको 7 से 8 मिनट लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ये जो जाम वाली स्थिति आप बता रही हैं, हाँ, ये 2-3 साल पहले बारिश के दिनों में ये परिस्थितियाँ समस्या भी वही है मुझे। बारिश के दिनों में अभी भी गुरुग्राम के कई इलाके हैं जहाँ पर घरों में पानी चढ़ जाता है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के घर में पानी तैर जाता है, खबरें हम खुद दिखाते हैं। तो आप उस चीज की आप ये मत कहिए कि हमें पता नहीं, पुराने, पता सब है। पुराने गुरुग्राम के अंदर कुछ समस्याएं थी, कुछ अंडर पासिस के अंदर समस्याएं थी, नगर निगम गुड़गांव ने और GMDA ने मिलकर उन समस्याओं का समाधान किया है। परंतु आज MH1 अगर ये कहता है कि हम खबरें दिखाते हैं तो खबरें आप हमारे विकास की भी दिखाएं, खबरें वो भी दिखाएं जो हमने सेक्टरों जो का सच होगा, जो दिखेगा वो हम दिखाएंगे, दिखाना चाहिए। जाम की समस्या भी दिखती है वो हम बताएंगे। MH1 अपनी सच्चाई के लिए जाना जाता है। मैं डबाज साहब का फैन हूँ बहुत बड़ा, जिस प्रकार का काम आप करते हैं निश्चित तौर पर आप सच दिखाते हैं। परंतु आज हालात गुड़गांव के बदल चुके हैं, चारों के चारों विधानसभाओं में डेवलपमेंट हो रहा है और उन डेवलपमेंट का कारण है मनोहर लाल सरकार का बखूबी जमीनी स्तर पर काम करना
और ये विकास कार्य लगातार 8 वर्षों से हो रहे हैं। अमू साहब, सड़कों पे 2 घंटे की बरसात में 3 घंटे पानी भरा रहता है, एक अलग समस्या है। डबा साहब, मुझे एक रोड का नाम बताओ कि इस रोड पर पानी भरता है 2 साल के अंदर, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। इसमें कहीं ना कहीं अभी अंडरपास में नाव चलती हुई देखी आपने? कितने साल पहले? 3 साल पहले, 3.5 साल पहले, 4 साल पहले, पिछले 2 साल में 2.5 साल में मुझे एक घटना बता रहे आप कि अंडरपास में कहीं पर भी पीने की पानी की जो समस्या, विषय बदल दिया आपने। नहीं, विषय नहीं बदला है, पीने की पानी की क्या समस्या नहीं है? और गांव में जितनी पीने के पानी की समस्या है, हरियाणा के किसी और जिले में है? हर घर नल हर घर जल की योजना जो प्रधानमंत्री की है, उसको बखूबी उसका पालन किया जा रहा है। गुड़गांव के घरों में स्वच्छ पानी पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, प्रशासन की, सरकार की, और वो कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी से आपके सहयोगी है, कम से कम हरियाणा सरकार में तो अभी तक है हमारे सहयोगी, हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हमारे। हटाना चाहते हैं, आपके अध्यक्ष साहब कहते हैं, आप कहते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आएंगे, दोनों अलग अलग विषय, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन खटाना साहब पिछले 2 साल में अमू साहब कह रहे हैं कि कहीं पानी नहीं भरा है, कोई जल भराव की कम से कम गुड़गांव में कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आएंगे रेवाड़ी के 2 सीटों पे और पुनाना की 3 सीटों पे, पहले गुड़गांव की बात कर लेते हैं। डबास साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने डिबेट रखी, और अमू साहब बहुत ही हमारे भाजपा के सम्माननीय और बहुत ही आदरणीय प्रवक्ता हैं। चलो, लेकिन जो बात कही कि गुड़गांव में जो जाम की कि आज कहीं जाम नहीं है, तो ये आज का प्रोग्राम 11 बजे का था और मैं खुद 11:20 पे पहुंचा हूं। मैं खुद 20 मिनट से, जब से मेरे भाई फ़ोन कर रहे थे, मैं गाड़ी में था। तो ये कह देंगे आप घर से लेट निकले होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, अगर आपके लाइव अगर चल रहा हो, नहीं रिकॉर्डिंग भी हो, तो आप अगर बाहर निकलेंगे ना इस रोड पर, तो यहाँ से लेकर और सुभाष चौक से आगे तक इस टाइम भी प्रॉपर जाम है, प्रॉपर। आप 15 मिनट तक निकल नहीं सकते, राजीव चौक नहीं पहुँच सकते आप। ये स्थिति जाम की, जो बारिश की बात कर रहे हैं, बारिश की तो बात ही छोड़ दो, अगर 5 mm पानी भी अगर यहाँ पर गिरता है गुड़गांव के अंदर, चाहे वो नया गुड़गांव हो चाहे ओल्ड गुड़गांव हो, तो लबालब होता है, लबालब। 5 से 7 घंटे 8 घंटे लोग यहाँ जाम में रहते हैं, और 60-65% रिवेन्यू हरियाणा का सिर्फ गुड़गांव देता है, सिर्फ गुड़गांव। और उसके बाद आज अगर गुड़गांव का नाम हम ऑस्ट्रेलिया में लें, US में लें, लंदन में लें, तो एवरीबडी नोज कि गुड़गांव कहाँ है। एक मुद्दे की बात और है सूरजपाल जी, ये आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, पंजाब में सरकार चला रही है, उनका शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। हरियाणा में भी एंट्री की कोशिश कर रहे हैं, तिहाड़ में इनकी एंट्री हो गई है, हरियाणा में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा शिक्षा का उठाया जाता है, शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा ये है कि डिफेंस यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई, उसके बाद कितना काम हुआ है, कितना आगे बढ़ा है, क्या शुरू भी हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद मैं इनके पास भी आऊंगा और आपके साथी जो हरियाणा सरकार में सहयोगी है उनके पास भी आऊंगा। पहले डिफेंस यूनिवर्सिटी का एक बार आपसे पूछ लेते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री ने स्वयं इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए रेवाड़ी के अंदर इस पर चर्चा की है, लगातार चर्चा हुई है, जगह निर्धारित हो चुकी है, फाइलों में काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जल्दी ही। घोषणा कब हुई थी सर? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, घोषणा कब हुई थी? जब घोषणा हुई थी वो आपको पता है, मुझे भी पता है, परंतु उस पर कार्य संपन्न हो चुका है। 8.5 साल हो गए सर। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, एक्चुअल में हम लोग घोषणाओं पर, उन घोषणाओं पर काम करते हैं जिन पर कार्य होना होता है। हम केवल घोषणा करके जाने वाले नहीं है, हम घोषणाओं को पूरा करके जाएंगे। शिक्षा की बात हो रही है मैडम, दिल्ली में आपने सरकार बना ली, पंजाब में सरकार बना ली, आप शिक्षा की बात करके आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में भी उतर गए, आपने जबरदस्त रैलियां निकाली, सब कुछ किया, उसके बाद आप स्थानीय निकाय चुनाव में भी आपने दम दिखाने की कोशिश करी, भरोसा नहीं कर रहे आपकी शिक्षा के मॉडल पे, आपके स्वास्थ्य के मॉडल पे, हरियाणा की जनता क्यों नहीं कर पा रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार करती हूँ कि आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करती है। आदमपुर का चुनाव हमें नहीं लड़ना चाहिए था, जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन याद दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में मुंह केवल क्यों की? लड़ना तो आपने इसलिए स्वीकार किया था कि आपने एंट्री गेट मान लिया था उसको, आदमपुर को। ऋषिराज राणा जी, एंट्री गेट तो हमारा निकाय के चुनाव थे जहां में 10.5% ऋषिराज राणा जी को भी शामिल कर, ऋषिराज राणा जी को शामिल कर लेते हैं। राणा साहब, खाता भी नहीं खोल पाए आम आदमी पार्टी, बड़ा मुद्दा तो ये है, खाता तो उपचुनाव में बीजेपी का भी नहीं खुला। फिलहाल तो आप सरकार के साथ मिलकर
कुलदीप बिश्नोई के दम पे लड़कियां देखना बंद कर दो। मतलब हमारा विधायक जीता, हमारा विधायक जीता, इसकी गालियां देता था भाई वाह। और आज मनोहर लाल की गोद में बैठा है, ये रोटियां दूसरों के ऊपर से बंद कर दो। जेजेपी को शामिल कर लेते हैं, जनता ने चुना है। एक सवाल ले लेते हैं, आपकी तरफ से बयान आया था ये डिप्टी हटाना चाहते हैं आप, पूर्ण बहुमत की सरकार चाहते हैं, मिलकर चला रहे, एक साल रह गया लोकसभा चुनाव, मिलकर चलेंगे नहीं चलेंगे बाद की बात है, पहले पूछ लेते हैं डिप्टी हटाना चाहते हैं तो फिर आगे का प्लान क्या है। आज से 4 साल पहले जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया, मजबूती के साथ हमने अपना पहला विधानसभा इलेक्शन लड़ा, 10 विधायक चुनकर हमारे हरियाणा प्रदेश में आए। भारतीय जनता पार्टी का अल्पमत होने के कारण जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक तौर पर गठबंधन हुआ, जिससे आज सरकार चल रही है, और एक संगठनात्मक, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधान महासचिव दिग्विजय जी बयान देते हों, या प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी बयान देते हों, या खुद मैं ये बात कहता हूँ, एक संगठनात्मक तौर पर हर पार्टी चाहती है उनका जो नेता है वो हरियाणा या देश का, हरियाणा में अगर तो हरियाणा का मुख्यमंत्री बने, और संगठनात्मक तौर पर हमारा ये प्रयास होगा और हम प्रयास कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। ऋषिराज जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि हम संगठनात्मक तौर पर लड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी चुनाव के पहले या किसी भी उपचुनाव के पहले जेजेपी को सोचना मंथन करना क्यों पड़ता है कि जी हम बाद में बताएंगे कि हम मिलकर लड़ रहे हैं या नहीं। एकला चलो का नारा कई बार बुलंद कर दिया जाता है, एक मंच पर आने पर आपके नेता कतरा जाते हैं, ऐसा क्यों है? किसी भी बड़ा कोई काम करने से पहले मंथन करने में कोई बुराई तो नहीं है जी। साथी के साथ चलने में क्या बुराई है? नहीं, साथ क्या मंथन कब नहीं चले, अभी तक तो साथ ही चल रहे हैं, साथी के और आज भी साथ है, लेकिन संगठनात्मक तौर पर जननायक जनता पार्टी का संगठन साथ है, जितनी उतने ही साथ है, जितनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर मीटिंगें हो चुकी है उतने ही साथ है, ऊपर से भी और अंदर से भी उतने ही साथ है, जितना न्यूनतम साझा प्रोग्राम को लेकर आपकी बैठकें हो चुकी है। खटाना जी, बड़ा सवाल आपसे ये है कि आज आप गुरुग्राम की व्यवस्थाओं को लेकर, गुरुग्राम लोकसभा सीट में नू पुनाना फिरोजपुर झिरका रेवाड़ी और बावल की सीटों को लेकर सवाल उठाते हैं आप, सिंचाई के पानी की, लेकिन इससे पहले जो अभी सांसद यहाँ से हैं, दो टर्म तो आपके साथ भी रहे, मंत्री भी रहे वो उस समय भी, क्यों नहीं ये सारे काम उस समय हुए कि आपको आरोप लगाने की जरूरत ही ना पड़ती, आप उपलब्धियों के तौर पर गिनाते? बार बार जो गुड़गांवा लोकसभा की बात आती है तो मैं फिर दोबारा कहता हूं कि गुड़गांवा के लोगों के ऊपर, चाहे वो बिजली का कर हो, चाहे वो हाउस टैक्स हो, चाहे वो रजिस्ट्री के हर महीने वहां पर बढ़ते हो, मतलब कि गुड़गांवा के व्यक्ति के ऊपर इतने टैक्स की मार है और सहूलियत के नाम पर वो 0/0 है। टैक्स की बात तो खटाना साहब, टैक्स की बात करें तो खेड़की टोल टैक्स हटाने की बात हुई थी, घोषणा भी हो गई थी, अब उसको भूल गई है सरकार, राज्यसभा में भी इसका सवाल उठा था, बिल्कुल आपसे सवाल है ये, और उसके बाद यहाँ की जनता भी लगातार धरने प्रदर्शन भी हुए हैं उसको लेके, ना टोल टैक्स हटा ना शिफ्ट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा क्षेत्र के अंदर, मैं नूह फिरोजपुर झिरका पुनाना की बात करूँ, मैं बावल रिवाड़ी गुड़गांव बादशाहपुर और पटौदी की बात करूँ, हम लोगों ने हर विधानसभा क्षेत्र में समानता के साथ काम किया। जिस मेवात को सिर्फ यह लूटते थे, जिस मेवात को सिर्फ ये लूटते थे, जिस मेवात को ये दंगों के लिए यूज करते थे, आज तक उस मेवात के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ हमारी सरकार के अंदर। हम लोगों ने समान विकास किया है, प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, ये जो मेरे साथी बैठे जेजेपी वाले, अच्छा इस बात पे नहीं आओगे, सुनिएगा पूरी बात सुनिएगा, बिना टोल टैक्स दिए एंट्री का गठबंधन, ये दो भाइयों का गठबंधन है, दो प्यारे मित्रों का गठबंधन है, ये मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला की विचारधारा का गठबंधन है, चिंता मत करो, सरकार पुनः हमारी आएगी 2024 में भी आएगी और विधानसभा के चुनाव में भी। सवाल दोहरा दूं अब आपने बोल लिया तो जी, गुड़गांव में मेन रोड से या मुख्य सड़कों से बिना टोल टैक्स दिए तो एंट्री नहीं है साहब। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप सड़कों का विकास पूरे, सड़कों का विकास, सवाल मुझसे किया, शांत रहो, विकास की गति बढ़ रही है, सुनो, हर सड़क पर ऐसे गाड़ी दौड़ती है, सरपट दौड़ती है, जिनको हटाने का वादा किया गया था वहां भी टोल टैक्स दे रहे हैं लोग। जब विकास होगा, जब सड़कें बढ़ेंगी और सड़कें भी
ऐसे बने ये सड़कें जेब पे हावी नहीं है खटाना साहब, मतलब सड़कें नहीं बने इसका मतलब नहीं, जो टोल टैक्स हटाने का वादा कर दिया उसके बावजूद अगर सालों साल लोगों की जेब पे डाका पड़ रहा है उसका क्या है? लोग तो कह रहे हैं हमारी जेबें कट रही है, किसी और को नहीं है, कांग्रेसियों को, आम आदमी पार्टी पूछ लेते हैं। डबा साहब, अम्मू भाई हाईवे से नीचे उतरे तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कौन से रोड पर चलना चाहते हैं? मुझे कहने का मौका दीजिए। आप कौन से सड़क पर चलना चाहते हैं? मैं कुछ याद दिलाना चाहती हूँ भाई को। मैं अनुराधा शर्मा के घर जाया करता था, गाड़ी ऐसे जाती थी, अब अनुराधा शर्मा के गेट पर जाकर गाड़ी रुकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ डबास साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, बड़ी ऊंची आवाज में मेरे भाई संगठन की कार्यकर्ताओं की और पार्टी की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को जड़ से जानती हूँ मैं, अभी तो जीवन दिया है मैंने। अरे आप तो भारतीय जनता पार्टी की बहन जी, कहाँ फंस गई आम आदमी पार्टी में। एक ही बात कहना चाहती हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी में संगठन होता, यदि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत राजनीति ना होती तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का मुख्यमंत्री ही नहीं होता। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को सिर्फ सुनिएगा, देश की सबसे बड़ी बन के रह गई है, देश की सबसे बड़ी नहीं। आप कौन से संगठन की बात करते हैं? सुनिएगा, आज अमित शाह नरेंद्र मोदी के नाम पे आप रोटियां खा रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर के पल्ले क्या है हरियाणा के अंदर? मैं देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट करता हूँ, हम लोग मेजोरिटी में हैं देश के अंदर और सरकार चला रहे हैं। ये कौन, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में पड़ा है, इनका पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जेल में पड़ा है, इनके राज में खालिस्तान के नारे पंजाब में लग रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी को क्रांतिकारियों से जोड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल। ठीक है मुद्दों पे आते हैं, आ जाओ मुद्दों पे आते हैं। सिंचाई के पानी की और पीने के पानी की, आपके ही लोकसभा क्षेत्र का जिला है नू, फिरोजपुर जिले का, तीनों विधानसभाएं तरस रहे हैं इस समय, किसान भी सिंचाई के पानी के लिए और पीने के पानी के। जो हालात है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, आपको ही पता है जो हालात है वो बरसों बरस से ऐसे। नवाज साहब, मुझे नहीं पता उजीना ड्रेन के बारे में आपकी कितनी जानकारी है, पर मैं आपको बता दूं, उजीना ड्रेन जहां पर सूखा पड़ता था कांग्रेस की सरकार में, उसी उजीना ड्रेन के माध्यम से आज मेवात के अंदर सिंचाई हो रही है। एक जो अलवर से ट्रेन आती है, ये तो अनुराधा जी जानती है, जब बाढ़ आई थी मेवात के अंदर, बंसीलाल जी की सरकार थी भाजपा गठबंधन में, उस समय बाढ़ आई थी, वहाँ से पानी भर जाता था मेवात के अंदर। आज उसी मेवात के अंदर उसी ड्रेन से, उसी डार्क जोन जो आप बार बार कर रहे हैं, वहाँ पर सिंचाई हो रही है। कहिएगा आपको कौन नहीं रोक रहा? टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, हम रोक रहे हैं आपको टेल। मैं आप कह रहा हूँ, मेरे जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, आप जो राजस्थान से ट्रेन आ रही है और उजीना ट्रेन, उसमें सर्वे कीजिएगा, अपनी बात तो कहने नहीं देंगे, जवाब लेंगे, सर्वे कीजिएगा, और अगर खटाना साहब लेंगे जवाब लेकर अपनी बात सुनेंगे, एक मिनट सुननी पड़ेगी इनको भी। अम्मू जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद खटाना साहब चलेंगे, आपकी कितनी सच्चाई है इसमें। मुझे लगता है डबास साहब आप बहुत सीनियर मोस्ट जी, बहुत बड़े पत्रकार है, मैं आपको फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है कि MH1 को जो आप डार्क जोन बार बार कह रहे हैं, उस पर एक बार जब आप कहेंगे, मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके साथ बैठूंगा, आप मुझे 20 गांवों का नाम बता दें, उनकी समस्याओं को अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ बैठकर दूर ना कराऊं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। खट्टर साहब ने ये कहा कि ऐसे फसलों को आप बोइए जिसमें पानी कम लगे, पानी चाहिए ही नहीं। अगर हम डार्क जोन ना होता, हम लोग पानी की समस्या ना होती, अगर हमने भारतीय फसल, अगर हमने, सुनिएगा अनुराधा जी, आप मुख्यमंत्री साहब को तो फॉलो कीजिए, बोलने तो दो मुझे, बोलने तो दो, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। आप सुन लिया, आपने कहा बोलो तो आप उसको दूर कराइए, आप कह रहे ना आप बैठ के दूर कराएंगे। अगर धान की फसल के कारण प्रदेश के अंदर सिंचाई व्यवस्था में गड़बड़ी होती है और मेरा प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उन धान की खेती करने वाले किसानों को मुआवजा देता है तो किसानों के साथ न्याय कर रहा है मेरा प्रदेश का मुख्यमंत्री। एक बार सिंचाई का पानी नू में पर्याप्त मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है। किसान ये वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी का किसान। अमू साहब आप खड़े आपके विपक्षी, भारतीय जनता पार्टी का दावा है नू में जो है सिंचाई का पानी पर्याप्त मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो आज तक आफताब अहमद कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने कितनी बार विधानसभा के अंदर, मेवात के अंदर, नूह के अंदर, विधानसभा के अंदर पानी की समस्या हो जाकर के बताया? इसलिए है मैं इस पर भी आऊंगा। जो मेरे भाई बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं वो किसान की बात कर रहे हैं, सिंचाई की बात कर रहे हैं।
अगर हरियाणा में किसान हितैषी कोई सरकार थी तो हुड्डा साहब के कार्यकाल में थी। पिछले 9 साल में किसानों के 750 किसान सड़क पर शहीद हो गए। जो दावा किया उस तो जो किसान जो आज आज जो आज पोर्टल बना है, जो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, अभी तक वो पोर्टल तैयार नहीं हुआ, पोर्टल बंद पड़ा है, किसानों का मुआवजा नहीं मिला। जो सिंचाई की बात कर रहे हैं, जो टैल की बात कर रहे हैं, SYL के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है, तो कहाँ है वो SYL? जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो विधायक कांग्रेस के बार बार बात कर रहे हैं, ये जो मोदी जी पे ले जाते हैं, आप इनसे किसी मुद्दे पे बात करो, सिंचाई पे करो, शिक्षा पे करो, स्वास्थ्य पे करो, सिंचाई के पानी की कोई किल्लत नहीं। 0/0 नूह की छोड़ो, गुड़गांव में आ जाओ जहाँ पर रिवेन्यू दे रहे हैं लोग, जहाँ पर लोग टैक्स दे रहे हैं। खटाना साहब एक सेकंड, बड़ा सवाल है ये गुड़गांव से जुड़ा हुआ, हरेरा के पास खड़े हैं और हरेरा में जितनी शिकायतें हैं लोगों का निवारण हो रहा है नहीं हो रहा है बताइए जरा। मैं बोलूं सर? जी जी जी। के खंडेलवाल अभी करीब 1 महीने पहले रिटायर हुए हैं, उनके नेतृत्व में हरेरा के हजारों केस और सैकड़ों बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई। पहली बार हरियाणा बनने के बाद अगर बिल्डरों को भोंडसी जेल में जाना को मिला है तो इस हरेरा के माध्यम से मिला है, जो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर का विजन है। उसी मनोहर लाल खट्टर की शक्ति के कारण आज कोई भ्रष्ट बिल्डर, आज कोई चोर बिल्डर, चाहे वो चिंटल वाला हो चाहे कोई और बड़ा बिल्डर हो, वो सारे भोंडसी जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं। रुकिएगा, अरे आप रुको ना, मैं सत्येंद्र जैन का भी बताऊंगा, मैं सिसोदिया का भी बताऊंगा, चिंता ना करो। 10 लाख करोड़ माफ कर दिए उसका भी बता देना। अब मैं उनका जवाब दूंगा, आपका जवाब है उसका भी बता देना। कंक्रीट का जंगल गुड़गांव बनता जा रहा है, लोगों की विकास का उसका जवाब बोलिए। अरे सुनो भाई, बोलने तो दो। बोलिए 2031 लेकिन जो लोगों ने वो फ्लैट बुक कराए थे क्या उनके पैसे मिले? बोलूं सर, वो लिस्ट भी तो दे दो। बिल्डर तो बेचारे लोग 2000 कहाँ गया? बिल्डर तो 2031 का मास्टर प्लान, ये ऋषि राज राणा खड़े हैं। 2031 का मास्टर प्लान ये बताए कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह की सरकार में आया था कि नहीं आया था? यार 2031 का मास्टर प्लान हमारी सरकार में नहीं आया, मेट्रो आई थी, सीएलयू आपने बांटे, सीएलयू आपने बांटे, लाइसेंस आपने दिए, पैसे आपने खाए, हमारी हुड्डा की सरकार में यहाँ पर यूनिवर्सिटी आई थी, इन्होंने सारा कुछ रोक दिया। अगर हमने रोक दिया तुम चाट गए, हम गलत कामों को रोके भी ना। आप पार्षद भी रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के लीडर भी हैं, शायद वार्ड नंबर 1 से भी आप पार्षद रहे। आप बड़े एक एग्रेसिव नेता के तौर पे जाने जाते थे, कम से कम गुरुग्राम शहर में तो ये था कि भाई अगर कोई समस्या है तो ऋषि राज राणा जो है आगे रहेगा हमेशा। समस्याएं तो अब भी है, अब सरकार के साथ हो गए तो ऋषि राज राणा ठंडे हो गए या समस्या खत्म हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। समस्याएं होती है और उनका निवारण भी होता है जी। जैसे 2011 में पहली बार गुड़गांव में नगर निगम का इलेक्शन हुआ था, जनप्रतिनिधि चुन के आए थे, उस समय जो विकास कार्य कराए गए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम नहीं करा पाए थे। उसमें मैं खुद भी पार्षद था, क्योंकि 80% हमारे गुड़गांव का एरिया अनअप्रूव है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये होता है। आज भी हमारी वही स्थिति है, ये बिल्कुल। आज मेट्रो की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ पहले जनता जनार्दन को, गुड़गांव के निवासियों को मौलिक अधिकार, मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। जो कॉलोनी आज पाइपलाइन में है उनको तुरंत प्रभाव से उनको अप्रूव करके और वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं देने का काम करें। आपके साथी आपसे ही सवाल कर रहे हैं, इसमें जब हम आम जनता के हित की बात करेंगे तो ये बात बोली जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, पूरे हरियाणा में वो लगभग 2000 कॉलोनियों को अप्रूव करने जा रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे निवेदन भी करूंगा, गुड़गांवा, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम से पहले इन कॉलोनियों को अप्रूव किया जाए, ताकि जो जनप्रतिनिधि चुन कर आएंगे वो अपने क्षेत्र का विकास कार्य करा सके। और ये बातों में बड़े सरल अंदाज में इन्होंने कह दिया अवैध कॉलोनियों की समस्या इतनी ज्यादा है आपसे काबू में नहीं आ रही है। ऐसा है, मेरा लक्ष्मण रूपी भाई है ऋषि राज राणा जी, और जो इसकी बात है मैं उसके साथ हूँ। साथ है ना पक्का? सुनिएगा मैडम, मान रहे सुनिएगा, मान रहे अवैध कॉलोनियों की समस्या काबू नहीं आ रही। हमारी सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए है जी। और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं मेरे छोटे भाई, निश्चित तौर पे वो जनता के हित की बात कर रहे हैं।
और अगर ऐसे मुद्दे पूरे होते तो निश्चित तौर पे हम दोनों की मिली जुली मांग है वो जल्द पूरा होगी। मिली जुली मांग जल्द पूरी होगी। मैडम आप बोलिए, आप बोलिए की आज की भाजपा की सरकार है। मेरा भी 30 साल का राजनीतिक जीवन है। सबसे कमजोर और फेलियर सरकार मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। एक बात, सारी सरकार पूरी तरह से अफसरों की बैसाखियों के ऊपर चलने वाली सरकार है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, अवैध कॉलोनियों का मुद्दा था, वो कह रहे हैं कि उसको करेंगे, उसका निपटारा भी करेंगे और जितना हो सकेगा उनको नियमित भी करेंगे। इस पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से बाहर सरकार कहीं नहीं है। आप जाके देखिए कॉलोनियों के अंदर सीवर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम, हाथ हाथ भर पानी खड़ा हुआ है सीवर का गलियों में। बच्चे तक स्कूलों के निकल नहीं सकते। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? और मैं अबू जी को बता दूं, ये लंबे लंबे आंकड़े सुनाने से कुछ नहीं होगा। समझे, समझदार होंगे तो इतने में ही समझ जाएंगे। अब दरिया तेरी खैर नहीं, अब दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादाना समझ खुदगर्दी ने, लहरों ने बगावत कर दी। लहरों की बगावत पर ऋषि राज जी कह रहे हैं। मैं अमू जी एक बार ऋषि राज, ऋषि राज के झगड़े खेजरीवाल ना छेड़ तू, अपनी संभाल। कोई जेल में, कोई रेल में। ऋषि राज कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद एक बड़ा सवाल मेरा सुनिए। ऋषि राज कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद एक बड़ा सवाल अम्मू जी मेरा है। खटाना साहब आपके पास भी आऊंगा, एक सवाल अम्मू जी से लूंगा। आप बोलिए बोलिए। स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2013 के तहत हरियाणा सरकार किसी को तो छोड़ेंगे यार। पूरे हरियाणा में जितनी भी अनियमित कॉलोनियां हैं उनको नियमित करके मूलभूत सुविधाएं देने का काम करती है। बहन जी सुनो, हम भी आपकी बात आराम से सुनते हैं। मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करूंगा, 12 फरवरी 2023 को उन्होंने एक्ट में संशोधन किया। संशोधन के तहत पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे वो निकाय की कॉलोनियां हैं या निकाय से बाहर हैं, जहां भी 10% क्षेत्र आबादी का है उन सभी कॉलोनियों को अप्रूव किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है। और मैं इसकी खुले मन से मैं कहता हूँ, ये हरियाणा सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। और जब ये कदम पूरा होगा तो जो अभी हम बात कर रहे थे रोड सीवर पानी, भाई साहब आपकी कॉलोनी अप्रूव होगी तो वहां रोड सीवर पानी होगा ना। जब कॉलोनियां अप्रूव हो जाएंगी तो ये सारी सुविधाएं आपको, कॉलोनियां अप्रूव हो जाएंगी सारी सुविधाएं। अम्मू साहब मैं खटाना साहब आपके पास आऊंगा। मैडम एक मिनट, एक बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल है। बादशाहपुर से आपके विधायक है राकेश दौलताबाद, आपके भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं। आपके नहीं है साहब, आपके साथ तो हैं, आपके साथ हैं, हमारे आपके साथ नहीं है। आपके सरकार के, सरकार के साथ है तो सरकार के हैं। आपने निर्दलीय खुश होगी बहन जी, निर्दलीय हैं लेकिन चेयरमैन आपने बना रखा। सुनिए, चेयरमैन आपने बनाया, चेयरमैन आपने बनाया। उनके गाँव में 5,000 एकड़ जमीन में आज भी पानी ऐसे ही खड़ा है जब वो विधायक बने थे उसके बाद से लेके इस समस्या को लेके हजारों बार लोग मिल चुके हैं। आपकी सरकार सत्ता में है, विधायक आपके साथ है, सहयोगी है, चेयरमैन बना रखा है, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। 5,000 एकड़ जमीन में पानी खड़ा और समस्या का हल नहीं हो रहा। बादशाहपुर विधानसभा के दिल्ली बॉर्डर से लगते हुए गाँव जिसमें पानी की समस्या आज की नहीं है, ये देश की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की लगातार है। वो एरिया बहुत लो वाला फार्मिंग का है और वहाँ पर वो समस्या बड़ी भयंकर है। वाटर रिचार्जिंग, हाँ वाटर रिचार्जिंग जोन वहाँ पर बनाया गया, उसके लिए प्रदेश की सरकार बकायदा, मैं राकेश दौलताबाद जो विधायक है वहाँ से, मैं लगातार उनको फॉलो करता हूँ। विधानसभा के अंदर सबसे अधिक अगर अपने क्षेत्र की समस्याओं की चिंता करता है तो वो करता है और उन पर मुख्यमंत्री गौर करते हैं, जल्दी ही उन समस्याओं का निदान होगा ऐसा मेरा मानना है। खटाना साहब मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। आपने कहा राकेश दौलताबाद जी का आपने जिक्र किया, चूंकि समर्थन है तो इसलिए आपको लगता है कि वो सवाल उठाते हैं, हमारे हैं। कल मैं वो आपके हैं, सारे ही आपके हैं। अब जब मुख्यमंत्री आपका है तो सारे आपके हैं, विधायक चाहे किसी भी पक्ष का हो। लेकिन कल जब हम मिल रहे थे विपक्ष के भी कई विधायकों से तो उनका ये दर्द है, उनकी ये तकलीफ है। आपने कहा समान विकास हो रहा है, वो कह रहे हैं कि भेदभाव के साथ विकास हो रहा है। चिरंजीव राव ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलकर आते हैं, उनके मुँह से आश्वासन का बोल तक नहीं फूटता कि हमारे इलाके में जो समस्या है उसका समाधान होगा या नहीं होगा। जिस समानता की बात आप कर रहे हैं विपक्ष उसको नकार रहा है। चिरंजीव राव जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व वित्त मंत्री के बेटे भी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनकी जानकारी शायद कम है। वो भी राहुल गांधी के साथ 2-3 बार बैठ चुके हैं मुझे लगता है, उनकी जानकारी कम है। रेवाड़ी के अंदर जिस प्रकार का विकास कार्य, हजारों करोड़ रुपए रेवाड़ी के विकास में
चाहे वहाँ का सांसद हो, चाहे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थित पार्षद हो, चेयरपर्सन हो, वो वहाँ काम करा रहे हैं। अब वो सोचे कि विकास केवल उनके घर के अंदर हो तो ये कैप्टन अजय यादव का परिवार भूल जाए। उनके अभी 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 उनकी गली में पानी भर जाता है, उनके गली में बीच इतने घर के सामने उनके घर के सामने तो आपकी है फिट पानी भर जाता है, उनका दावा ऐसा है। अभी तीन महीने पहले, तीन महीने पहले गुड़गांव में किसी बिल्डर के यहाँ छापा पड़ा, वहां पर कई बेनामी संपत्तियों का उजागर हुआ है। चिरंजीव यादव से मैं मांग करता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से अनुरोध करता हूँ, क्या बताएं उस बिल्डर के साथ चिरंजीव राव का क्या रिश्ता है? मैं चैनल पर बोल रहा हूँ, अरे दुकानें खोल रखी है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। आप जब सरकार से गए थे, जब भी भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से गए थे, और अब सरकार से बाहर होने के बाद भी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। मेरे बड़े भाई भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 9 साल से सरकार में है, सरकार चल रही है, अभी कह रहे थे जी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जाके अधिकारी को पकड़ ले। गुड़गांव में एक छोटा सा अधिकारी जिसने पूरे गुड़गांव के छज्जे तोड़ दिए, और किसी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता छोड़ो आप नेता ने भी हिम्मत नहीं करी उससे पूछने की कि ये छज्जे कैसे तोड़े और अगले दिन क्या सेटिंग होती थी, और वो छूटते ही कहता था अगर बात करानी है, अगर बात करानी है तो मुख्यमंत्री से करा दे। ये विसल ब्लो कर रहे हैं, एक विसल एक 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 विसल मेवात के लोग भी सुनने को तरस रहे, वो विसल है रेल की सीटी। बड़े दावे हर बार दावे वादे, लोगों को बहुत भरोसा दिया गया, सीटी बजेगी रेल की मेवात में पहली बार। हाँ अरे भाई सुनो भाई, हाँ पहली बार मेवात के अंदर दिल्ली से सीधे होती हुई एक मालगाड़ी सोनार तावड़ू के बीच में से 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग का अभी ट्रायल हुआ है, रेल दौड़ने लगी है, ट्रायल हो चुका है। और ये मेरे लिए गर्व की बात है क्योंकि मैं सोना से आता हूँ, तावड़ू क्षेत्र मेरा है, मैं वहाँ रहता हूँ। पहली बार वहाँ पर आपकी बात को मैं जो पूरा कर रहा हूँ, घंटी बज चुकी है रेल की और सीटी बजती है ना, इनकी विसल ब्लोअर का तो मुझे पता नहीं, परंतु हमने मेवात के अंदर जो रेल सुविधाएं, रेल की गाड़ियां करने का काम किया था, शुरुआत करने का, वो हमने कर दिया। ऋषिराज जी मेरा एक सवाल है, किसानों की बात कर रहे हैं आप, लोगों के हित की बात कर रहे हैं, सरकार में है और इजाफा बहस आप 250 का करा पाए बुढ़ापा पेंशन में, 51 साल तक कैसे पहुंचते हैं? कुल कितना हो गया मैडम, कुल कितना हो? 2750 रुपए पेंशन है मैडम जी, और 2750 रुपए हर महीने, ये हर साल 250 रुपए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इतनी चलती है जेजेपी की, जननायक जनता पार्टी ने वादा किया था 5100 रुपए पेंशन करेंगे, अगर हमारे 46 MLA थे पहली कलम से हम 5100 रुपए करते। रेनू मैं चाहूंगा कि आप चाहे वो किसी दल से है या नहीं है या आम लोग हैं, जरा जरा समस्या तो जानने की कोशिश करें कि गुड़गांव लोकसभा की अगर आप बात कर सकते हैं जिसमें रेवाड़ी के 2 सीटें हैं, 3 सीटें नू की भी है और 4 सीटें गुड़गांव की, अगर बात कर सकते हैं तो प्लीज आप बताइएगा, फिर जवाब लेंगे। आपके 2 प्रतिनिधि खड़े हैं, एक जेजेपी से एक बीजेपी से। पेंडेमिक के टाइम में लोग बाग मर रहे थे, आज हम किस लेवल पे किस स्तर पर तैयार हैं? मेरा शिक्षा का छोटा सा आंसर है, स्वास्थ्य का सवाल उठाया है, स्वास्थ्य का सवाल उठाया है, हेल्थ का। मैं चाहूंगा एक दो लोगों से और भी बात करें, इधर रेनू आप। मैं एक एक करके आऊंगी, आपका सवाल। सर आप लोग बोलते रहेंगे हरियाणा के अंदर पिछले 9 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है आप लोगों ने शिक्षा पे बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। अभी 1.5 हफ्ते पहले ताली बजाने का सर मौका मिला, आपने बजा ली। अब मेरा सवाल सुनिए, 1.5 हफ्ते पहले एक वीडियो आई थी बादशाहपुर के एक स्कूल की, कहते हैं कि बच्चियां सांझी होती हैं, बेटियां सांझी होती हैं, बेटियों के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल के जितनी खिड़कियां होती हैं ना सर, उससे ऊंचा कूड़े का अंबार लगा हुआ है वहां पर। ये वीडियो गुरुग्राम न्यूज के चैनल पे अवेलेबल है, बाकी फेसबुक पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो एजुकेशन, अब हेल्थ और एजुकेशन दो विषय हो गए। कांग्रेस वाले आप वाले की बात कहते हैं, मैं छोटा सवाल कहता हूँ, दिल्ली में आप बनी आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार दबा के हो रहा है, पंजाब में हमने बहुत साथ बिताए हैं, जो पंजाब गलत अब है खालिस्तानी, कोई वहाँ से इंग्लैंड से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, उससे पहले कांग्रेस भिंडरा वाला, तो ये क्यों हो रहा है? बीजेपी सरकार है, जेजेपी सरकार है ना, में कोई ऐसी गुंडागर्दी हुई है, कोई दंगे हुए हैं? अब वहाँ देख लो आप, बांग्लादेश में देख लो, उसमें पश्चिम बंगाल देख लो, आप बिहार में देख लो, जहाँ सरकार है दंगे हो रहे हैं उनके। सवाल बहुत सारे हैं मुझसे, आप कानून व्यवस्था बेहतर बता रहे हैं, सवालों की बौछार है, पहले एक एक करके आप तमाम सवालों के जवाब दीजिए। कन्या मॉडल संस्कृति स्कूल, ए भैया क्या नाम है आपका? पारस जी, आपने कन्या मॉडल संस्कृत स्कूल बोला,
ठीक है, इसको मुझे थोड़ा सेवा का मौका दो, देख लेते हैं। बहुत अच्छी बात वकील साहब ने कहा कि अगर ऐसी त्रासदी आ गई तो हम क्या करेंगे। और एक आपने पेंडेमिक की बात की, देखो बड़ा गंभीर विषय है और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर रहता हूँ, मेरा घर है। आज गुड़गांव का जो मेडिकल हब है वो पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। पेंडेमिक के वक्त NCR को अगर किसी ने संभाला तो गुड़गांव ने संभाला, एक बात। दूसरा, इसके ऊपर बकायदा लगातार चर्चाएं चल रही हैं। 100 बेड का सिविल हॉस्पिटल यहाँ बनने जा रहा था, जिसका काम शुरू हो चुका है, उसमें 500 बेडेड हॉस्पिटल मुख्यमंत्री ने इस बजट के अंदर कर दिया है। राणा साहब, दो बार से आप नहीं हैं लोकसभा में, लेकिन तीसरी बार भी नहीं होंगे। लेकिन एक बहुत आप एक ही सवाल रहेगा सभी चारों लोगों से, अगर आप 2024 के चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं तो गुड़गांव लोकसभा सीट को लेके क्या ऐसे वादे आपके रहेंगे जिससे प्रदेश की इस गुरुग्राम लोकसभा सीट के लोग आप पे भरोसा कर सके और आपको वोट दे। 30 सेकंड में फिर मैं सबके पास जाऊंगा। वो है इसका जवाब देने के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य जी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें आज हमारा देश भी और प्रदेश लगातार पिछड़ रहा है। जो मेरे बड़े भाई 500 बेड की बात कर रहे हैं, 100 बेड का हॉस्पिटल, तो 100 बेड और 500 बेड हरियाणा में और गुड़गांव में ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। और वो हम पेंडेमिक में हमने देखा है कि लोगों को ना दवाइयाँ मिली, ना हॉस्पिटल मिले, ना डॉक्टर मिले। गुड़गांव की आबादी के हिसाब से हॉस्पिटल बहुत छोटे हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा सबसे पहले, और जनता की मूलभूत सुविधाओं के ऊपर जो चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें जल की और जिस तरीके से टैक्स भारतीय जनता पार्टी ने हर टैक्स को डबल करने का काम करा है, उसको आधा करने का काम करेंगे। अम्मू साहब, कौन से ऐसे वादे हैं जिसको लेके आप 2024 के चुनाव में आएंगे? एक साल रह गया बस। देखो, पहली बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं अनुरोध करूंगा, ये अपने संभावित लोकसभा के 4 उम्मीदवारों के नाम बता दें। और भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा सा उम्मीदवार है कमल का फूल, जो भी कमल का फूल लेके आएगा वो जीत जाएगा। 30 सेकंड में खत्म कीजिए सर। 2024 में जिस पार्टी वो जगह अभी तक नहीं बना पाई है, कितनी उम्मीदें और कौन से मुद्दे लेकर आप? नहीं, गलत बात है। नहीं, पार्टी जगह बना रही है जी, और वो बौखलाहट आपको हरियाणा में दिखाई भी दे रही है जी। हम नागरिकों को जो उनके बुनियादी हक है, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, शिक्षा मिले, पीने का साफ पानी मिले और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिले, लोगों के बीच में जाए। क्या क्या भरोसा आप गुरुग्राम लोकसभा के लोगों को देना चाहिए? आज देश में और प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है, और दोनों पार्टियों के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, दोनों साझा मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। जनता जनार्दन को उनका अधिकार दिलाने के लिए, सुख सुविधाएं दिलाने के लिए, मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए हम ये इलेक्शन लड़ेंगे और दिला के रहेंगे और जीतेंगे भी। ये तो वक्त की कमी है, लेकिन गुरुग्राम से जुड़ी हुई तमाम बातों को हमने यहाँ पर साझा किया है और ये कोशिश की है कि गुरुग्राम के जनता की जो आवाज है वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों तक पहुँचाई जाए, सवालों की बौछार की जाए और उनका जवाब लिया जाए। जिन नामों की गूंज हो रही है वो नाम जनता के दरवाजे पर जब जाएंगे उनको कितना आशीर्वाद मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। MH1 एक्सप्रेस में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।